हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एसएससी इंस्टीट्यूट से। तो आज हम बच्चा पार्टी जो है 3.6 करने वाले हैं क्लास 10th की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सीबीएसई में 10th बोर्ड में जरूर से जरूर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। किस तरह से करते हैं देखो, अब तक हम जो करते हुए आए हैं उसमें भी हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो है थोड़े से लॉन्ग मेथड हो जाएगा अगर हम नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड या आपका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो, ठीक है। लेकिन अब इन क्वेश्चन करने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है। वो तरीका क्या है वो समझिएगा। देखो बेटा, एक इक्वेशन मेरे पास ये दे रखी है, एक इक्वेशन मेरे पास ये दे रखी है। आप सबसे पहले ये देखें इसमें जो एक्स वाला जो पार्ट है उसमें क्या चीज कॉमन आ रही है। ये 1/x कॉमन आ रहा है और यहाँ पर क्या है 1/x भी सेम है और यहाँ पर क्या है 1/y है और यहाँ पर भी क्या बेटा 1/y है। तो हम क्या करेंगे कि 1/x को कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। मान लो u लेट कर लिया कि ये वाली बात हर बच्चे को क्लियर होगी दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात क्या होगी, 1/y को हम डिनोट कर लेंगे v से, ठीक है। तो 1/x ध्यान पूर्वक देखना, 1/x को हमने क्या मान लिया बेटा, u मान लिया। तो u आ गया आपका ऊपर और अपॉन में क्या रह गया 2 रह गया। ये वाली बात हर बच्चों को क्लियर हो गई, यस और नो? बहुत अच्छा बेटा। अब 1/y को आपने v माना था और नीचे 3 है तो v अपॉन में 3, ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा, मजा आ गया हर बच्चों को। नाउ 1/x बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। इसको आप पहली इक्वेशन डाल दो और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, u अपॉन में 3 प्लस में v अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 13 अपॉन में 6, ये वाली बात हर बच्चों को क्लियर हो गई। इसको डाल देते हैं दूसरी इक्वेशन, क्लियर हो गई बेटा। अब देखो क्या कर रहे हैं, नोट अभी नहीं करना, नोट बाद में कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को बेटा, देखो फिर वही सेम चीज करते हैं। कोफिशिएंट क्या है सेम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है अपॉन में 1/2 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 1/3 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब इसके बाद मतलब ये जो 1/2 है ना, इस इक्वेशन का जो 1/2 है वो इसके से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जैसे हम पहले करते थे, ठीक है। क्लियर हो गई ना बात, अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम कोफिशिएंट सेम कर लें, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या हमारे पास हो जाएगी। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 की u से करूंगा तो u ही आएगा और 2 की जगह 3 से करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, u अपॉन में 6 प्लस ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी v अपॉन में 9 और इक्वल्स टू 2 बन जाए 2 लेकिन अपॉन में 3 है तो 2 अपॉन में 3। ये वाली बात हर बच्चों को क्लियर हो गई, यह सब अच्छे से समझ में आ गई। अब यहाँ पे भी सिमिलरली यही करना है हमें, क्या कि u अपॉन में 3 सॉरी 6 हो जाएगा क्योंकि 2 3 का 6 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा v अपॉन में बोलो 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 4 और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 13 बन जा 13 और 6 2 जा 12 तो 13 अपॉन में 12। अब क्या करते थे, सबट्रैक्ट करते थे, सॉरी ठीक है। तो अब सबट्रैक्ट करने का क्या होता था, साइन हम क्या कर लेते थे बिल्कुल चेंज कर लेते थे, यहाँ पर माइनस यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस, तो ये तो पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। और इसको आप कैसे देख सकते हो, देखो डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, कैसे करना, v अपॉन में 9 माइनस का साइन है तो माइनस, v अपॉन में 4 और इक्वल्स टू में 2 अपॉन में 3 माइनस 13 अपॉन में 12। ये वाली बात हर बच्चे को क्लियर होगी, यस और नो? अच्छे से समझ में आ गया। तो 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 36, 9 4 जा तो 4 v और 4 9 जा, ठीक है, इक्वल्स टू और यहां पर क्या कर लो आप 12 एलसीएम ले लो, 3 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, तो 3 4 जा 4 2 जा 8 और 13 ही आ जाएगा और 12 3 36 यहां पर काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गई। 4 में से 9 गया तो माइनस का 5 भी बचा, अपॉन में 3 है ही है और इसमें से 13 में से 8 गए तो 8 में से 13 गए तो कितने बचे बेटा 5, तो ये आएंगे माइनस के 5 और यहां पर तो कुछ बचा ही नहीं 1 बचा, क्लियर हो गए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3। ये वाली बात क्लियर हो गई है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। v की वैल्यू मेरे पास आ गई है तो मैं क्या करूं, किसी की v की वैल्यू जो है मैं किसी इक्वेशन में पुट कर दूं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में मैं पुट करता हूं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में मैं पुट करने जा रहा हूं। तो देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो
तो ये सारा कुछ रफ कर देता हूं मैं, और इस वाली इक्वेशन में मैं v की वैल्यू पुट करता हूं। तो देखो बेटा, u अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा, प्लस में v की वैल्यू कितनी थी 3, और अपॉन में 3 तो है ही है, और इक्वल्स टू में 2। एक काम करता हूँ, जो 3 है ना इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ ताकि आपको अलग से दिख जाएगा, क्योंकि v की जगह मैंने 3 रखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, 3 से 3 कट गया, क्लियर हो गई। तो u अपॉन में 2 प्लस में 1 इक्वल्स टू में 2। ठीक है, तो u अपॉन में 2 और ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब ये क्या हो जाएगा, u अपॉन में 2 और 2 में से 1 गया तो 1, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 बन जा 2। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो मेरे पास u की वैल्यू आई है और v की वैल्यू आई है, यस और नो। लेकिन हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा, मैंने रफ कर दिया है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने क्या करा था, 1 अपॉन x को क्या माना था, u माना था, और 1 अपॉन y को हमने क्या माना था बेटा, v माना। ठीक है, तो आप एक काम कर लें, 1 अपॉन x और u की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 ऊपर है नीचे आ जाएगा, x नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और यही हमें निकालना था। लेकिन y की वैल्यू चाहिए होगी, तो y की हम यहां से निकालेंगे, तो 1 अपॉन y इक्वल्स टू v, v की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सॉरी 1 अपॉन में 3, तो हमारे पास ये x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से, क्या है, 2 अपॉन रूट x प्लस 1 3 अपॉन रूट y और इक्वल्स टू 2, और नीचे वाली खुद से पढ़ लेना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इनटू 1 कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ मेरा कुछ नहीं जाना ना तुम्हारा कुछ जाना, तो यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं 1 अपॉन रूट x, यस और नो, यहां पर भी ऐसा कर दूं तो 1 अपॉन रूट x, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चे, तो 1 अपॉन रूट x को मैं क्या मान लेता हूं बेटा, u मान लेता हूं। अब बहुत ध्यान से देखना, मोहब्बत से देखना सारी चीजें अच्छे से। अब यहां पर भी 1 कर लेता हूं मैं, तो 1 अपॉन रूट y क्या करूंगा बेटा, 1 अपॉन में रूट y को मैं क्या मान लूंगा, u मान, यस और नो, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है ये चीज। अब जरा ध्यान से देखना बेटा कि 1 अपॉन रूट x को आपने u मान लिया, ठीक है, और 2 आ गया, तो 2 आ गया, यस और नो, प्लस में 1 अपॉन रूट y को क्या माना है आपने, v माना है, और आगे क्या है, 3। अब आप कंफ्यूज मत होना कि भाई अपॉन में क्यों नहीं आया, क्योंकि नीचे पिछले क्वेश्चन में नीचे अपॉन में 2 दे रखा था, इसलिए अपॉन में 2 आया था, क्लियर हो गया, ये समझाने वाली बात है, बच्चे यही गलती करते हैं। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 4u माइनस में 9v इक्वल्स टू माइनस का 1, ये आ गई दूसरी इक्वेशन, यस और नो, हर बच्चे को क्लियर हो गई, मजा आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, तो u से मोहब्बत है तो u का कर लेते हैं, तो u का इधर 4 से कर देते हैं और नीचे जो है 2 से कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी देखिएगा, कि इधर से करते हैं ना, 4 2 8, तो 8u प्लस 12b 8, ठीक है, इसमें करेंगे तो 8u और 18b और माइनस कर दो, ये वाली बात क्लियर हो गई यार बच्चे को। ठीक है, साइन कर देंगे क्या चेंज, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया भाई, प्लस प्लस कितना होता है, प्लस ही होता है, तो 12 और 18 कितने होते हैं मेरे बच्चे, बोलो 30, 30 v इक्वल्स टू प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 8 और 2 कितना होता है बेटा 10, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 3, नहीं समझे, ये 3 30 नीचे आ जाएगा, 10 बन जाओ 10 3 जा, क्लियर हो गई। किसी मतलब v की वैल्यू ना किसी में ही पुट कर दो जिससे जिसको जिसमें आपको अच्छा लगे, तो चलो इसमें कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, 2u प्लस में 3 इनटू v की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू में 2, देखो इसको मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं 1 अपॉन 3, क्योंकि v की वैल्यू आई है ना हमने यहां पर रख दी है, बस ये वाली बात क्लियर हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई। चलो अब करते हैं काम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 से 3 कट गया, तो 2u प्लस में 1 इक्वल्स टू 2, तो 2u 2 माइनस 1 क्योंकि ये इधर चला जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ये 1 बचा और ये 2 नीचे मल्टीप्लाई में नीचे, बहुत अच्छे बेटे बहुत अच्छे, ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर जहां पर हमने ये माना था,
ठीक है। तो ये वाली चीज मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, बहुत छोटा है, गरीब लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा रफ कर देता हूँ, जगह की कमी है। तो देखो ना, वन अपॉन में रूट एक्स इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी आई है, वन अपॉन में टू। अब जब मैं देखो कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मान लो कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर, स्क्वायर रूट में एक्स, ठीक है, अंडर रूट में एक्स। तो मुझे अकेला एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा, दोनों तरफ क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो जब करूंगा तो वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा बेटा, एक्स हो जाएगा, बहुत अच्छे। और वन अपॉन टू का स्क्वायर करूंगा तो फोर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फोर। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई। अब सिमिलरली वन अपॉन रूट वाई इक्व टू वी की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दूंगा तो वन अपॉन वाई इक्व टू वन अपॉन नाइन, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 9 आ गया मेरा। आंसर चेक कर लो, सही है सर, बंद कर दो वीडियो। हैं क्या हो गया, कभी कविता नहीं आ सकती, कविता को भेजो पूछ लेना उससे, आ जाएगी ना। लाओ क्या, 3 या 4 तारीख के बाद। चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, 4x + 1 3y = 14, बाकी का आपको पढ़ लेना। देखो बेटा इसमें क्या है, आप कहोगे चलो मल्टीप्लाई वन, तो वन अपॉन एक्स को आप मान लो क्या बेटा, यू मानते थे हम लोग, वाई को क्या मानेंगे भाई, वाई को लगवा मार गया अपॉन में क्यों नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, वाई को एज इट इज लिख लेंगे और वी मान लेंगे। यस सुनो हर बच्चों, बेटा आप शोर मचाते रहो, वीडियो खराब कर दो हमारी, है ना। चलो कोई बात नहीं, उठ जाओ, गिर गए। चलो तो अब क्या करेंगे बेटा, वन अपॉन एक्स को यू मान लिया और वाई को वी मान लिया, ठीक है। चलो आप बताओ मुझे, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, क्या बन जाएगी मेरे पास, 4u + 3v = 14, और ये नीचे वाली क्या बन जाएगी, 3u - 4v = 23। यस और नो, यस और नो। देखो मैंने आपको लोगों को एक ट्रिक बताई थी बचपन में, बचपन में मतलब जब कुछ भी एक्सरसाइज करी थी हमने, ये प्लस माइनस आ रहा है, इस बार ना हम यू को एलिमिनेट नहीं करते, इस बार हम एलिमिनेट कर रहे हैं बेटा किसको, वी को कर लेते हैं। तो इधर ऊपर वाली मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर 3 से कर दूंगा, 3 से कर दूंगा, क्योंकि इस बार हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 × 16u + 4 × 12v और 4 × 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9u + 12v और इन दोनों, ठीक है बेटा, 46। चलो ये तो कट जाएंगे और ये प्लस है क्योंकि अब साइन का चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कट गए। तो 16 और 9 कितने होते बेटा, 25u और ये प्लस करो बेटा 15 और 11 = 12। यस और नो, 125। हाँ तो यू अपॉन में क्या हो जाएगा, 125 / 25 काटो, 25 × 5 ठीक है। अब यू की वैल्यू पता चल गई, यू की वैल्यू किसी में भी रख लो, वी की पता चल जाएगी। चलो देखते हैं इसमें रखते हैं, तो 4 × 9 यू की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 5 आई थी, तो अलग उससे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और प्लस में 3v = 14, तो 5 क्या हो जाएगा, 20 + 3v = 14, तो 3v = क्या हो जाएगा, 14 - 20 और 3v = कितना हो जाएगा, 16। ठीक है बेटा, गलती हो जाती है, माफ करना, माफ करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। V की पता चल गई, U की पता चल गई, अब हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। तो 1 upon x किसको माना था, U, तो U की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये नीचे आ जाएगा और U पर चला जाएगा, तो 1 upon 5 और ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होगा, V की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y = v है, तो y = क्या हो जाएगा, माइनस का 2। आंसर चेक करें सही आ रहा है बेटा, यस सर, यस सर, तो मजा आ गया। तो ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं आज और बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगा कि मैं शाम को ये वीडियो डाल दूं और बाकी के आपको कल मिल जाएगी वीडियो, और जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ये, तो मैं ये चाहता हूं कि आप बस यहीं तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम मिले।
थैंक यू।